प्रदेश के हापुड़ जनपद में एसपी संजीव सुमन के निर्देशों पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। थाना दौराना प्रभारी निरीक्षक राजपाल सिंह तोमर और सपना बच्चों की इंचार्ज बनी सिंह और समस्त पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान चार शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन व 2 चाकू नजायज बरामद किए। बताया जा रहा है कि फुरकान मुस्तकीम, शाहिल साहब मजहर, इशाक चारों अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो अपने पास बाइकों की चोरी करने के लिए मास्टर की भी रखते थे। गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़ से अलग अलग जगहों से मौका पाकर वाहन चोरी कर लेते थे और भोले भाले लोगों को बेच देते थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ अलग अलग जनपदों में थानों में वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। थाना दौराना की टीम ने एक अच्छी रिकवरी की है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये चारों शातिर वाहन चोर हैं। इन पर कई मुकदमे पहले से वाहन चोरी के हैं और बरामदगी के हैं। इन सब लोगों से 9 मोटरसाइकिल्स रिकवर की गई हैं। इसके अलावा तमंचा और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। इन सब लोगों की मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग नोएडा, गाज़ियाबाद और आसपास के स्थानों से, जैसे पिलखवा, धलाना, इन क्षेत्रों से भी बाइक्स की चोरी करते हैं। ये चाबी रखते हैं मास्टर की टाइप की कुछ, जिसको ला करके जो बाइक खुल जाती है उसको लेकर के ये लोग चोरी कर लेते हैं और उसको मुख्यतः ये लोग खोल खोल के पार्ट्स बेच देते हैं। तो इसमें अभी 9 मोटरसाइकिल्स रिकवर हुई हैं। हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं, और भी रिकवरीज करने की कोशिश की जाएंगी। और इनको हम लोगों ने इनके साथ जो रिकवरीज की हैं वो भी आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो फिलहाल यही है। गिरफ्तार किए गए चारों शातिर अभियुक्तों को वैधानिक कार्यवाही हेतु जेल भेज दिया गया है। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।